नमस्कार साथियों, मैं हूं पी के साहू। मेरे कोचिंग सेंटर एम पी के साहू जी में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बाल विकास का नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, बालकों के विकास का सिद्धांत या बच्चों में विकास का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है सबसे महत्वपूर्ण है। हमने बाल विकास के बारे में पढ़ा, कुछ उदाहरण समझे और आज हम देखने वाले हैं विकास के सिद्धांत। विकास क्या होती है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं जो जन्म से लेकर के गर्भावस्था से लेकर के आपके मृत्यु पर्यंत चलती रहती है, विकास है। लेकिन जितने भी विकास होती है मानव में, व्यक्ति में जो विकास होता है, एक नियम के आधार पर, एक सिद्धांत के आधार पर चलती है, ठीक है, उसी को हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हम यहाँ पर 12 सिद्धांत हैं, जिसमें से हम 6 सिद्धांत को वहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहला है सतत या निरंतर विकास का सिद्धांत, दूसरा है विकास क्रम का सिद्धांत, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं का, प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये 6 सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट में हम 6 सिद्धांत और पढ़ेंगे। मतलब बच्चों में जो विकास होती है इस सिद्धांत को लेकर ही देखा जाता है। मतलब इस सिद्धांत के आधार पर ही कितने भी व्यक्तित्व हो, जितने भी मानव है या कोई भी जाति का हो, इस सिद्धांत के आधार पर वो चलती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सतत या निरंतर विकास का सिद्धांत। दोस्तों, जो मानव का जो विकास है, ठीक है, वो जो है प्रथम 3 माह में तीव्र गति से होता है। कहने का मतलब, यदि हम देखें तो कभी के गति जो होता है कभी तेज होता है तो कभी मंद होता है। मतलब जो वृद्धि जो होगी, विकास जो होगा, वो कभी तेज गति से चलती है तो कभी मंद गति से चलती है, ठीक है। तो जैसे हम देखें, प्रथम 3 माह में बच्चों का जो विकास होता है वो तेज गति से होती है, फिर उसके बाद जो है कुछ मंद सी हो जाती है, धीमी गति से चलने लगती है, ठीक है। मतलब इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि सतत या निरंतर विकास के सिद्धांत के अंतर्गत, ठीक है। दूसरा है विकास क्रम का सिद्धांत। दोस्तों, विकास क्रम के सिद्धांत के आधार पर हम ये जानेंगे कि जितने भी बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, प्रथम 3 माह के अंदर देखेंगे कि विभिन्न आवाजें निकालना शुरू करते हैं। यदि हम 3 माह के बाद, मतलब 3 से 6 माह के बाद को देखें, 6 माह तक के देखें, तो वो किसी चीज को देख करके मतलब आनंदित होना सीख जाते हैं, आनंद लेना सीख जाते हैं, है ना। अब उसके बाद जैसी 6 से 7 माह के अंतर्गत जाते हैं तो ये जो है मुंह से पा बा दा दी दा इस प्रकार से निकालना शुरू कर देते हैं। यदि हम 9 माह के अंतर्गत जाएं तो कुछ शब्द जो है स्पष्ट या अधिक मतलब सरलता से करना सीख जाता है, है ना। इस प्रकार से देखेंगे। और आगे की बात करें तो 9 से 12 माह से 18 माह के अंतर्गत बच्चे जो है 12 माह से 18 माह का पहला कदम, थोड़ा सा कदम चलना शुरू कर देते हैं। मतलब विकास क्रम का सिद्धांत के आधार पर देखें तो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है उनमें कुछ परिवर्तन आते जाते हैं। कहने का आशय यह है, ये अचानक नहीं होता, है ना। ये समझ लीजिए कि अनावश्यक या आश्चर्यजनक विकास नहीं है, ये जो है धीरे से चलने वाली निरंतर प्रक्रियाएं। देखो विकास किस प्रकार से चल रही है, मतलब विकास क्रम का सिद्धांत। अब आता है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। दोस्तों, जो भिन्नता जो आती है, भिन्न मतलब एक ही माँ के 2 संतान हो तो उनकी भी विकास जो है भिन्न भिन्न, मतलब विकास जो है प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति का भिन्न भिन्न होता है। जिस प्रकार से हम बातें करें, जैसे कोई बालक हो
किसी बालक को एक विशेष वातावरण, मतलब एक वातावरण की बात करते हैं, है ना। यदि ये शुद्ध वातावरण में है और एक जो है अशुद्ध वातावरण में है, एक ही माँ के दो संतान है, तो शुद्ध वातावरण वाले की जो विकास है अच्छे से होगा, बीमार कम पड़ेंगे, है ना, स्वास्थ्य ठीक रहेगी, इस प्रकार से इनकी मानसिक शारीरिक चारित्रिक सामाजिक संवेगात्मक सभी चीजें जो है बहुत बढ़िया ढंग से चलेगी। लेकिन ऐसा बालक जिसको अशुद्ध वातावरण मिल रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य बिगड़ेगी, सोचने समझने की क्षमता कम होगी, सामाजिक विकास कम होगा, चारित्रिक विकास कम होगा। कहने का मतलब इस प्रकार से इसको विकास की जो गति जो होती है वो क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न होता है, ये आप याद रखिएगा। अब हम देखते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। दोस्तों विकास जो क्रिया होती है वो एक दूसरे से संबंधित, मतलब विकास की कड़ी जुड़ी हुई रहती है। जैसे हम बात करें मानसिक शारीरिक सामाजिक चारित्रिक, इस प्रकार से बात करें, जैसे परस्पर संबंध का सिद्धांत, यदि एक बालक है ठीक है, इसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है और इसके आकार और आंतरिक और बाह्य रूप से, आंतरिक रूप से इनके शरीर में वृद्धि हो रही है आंतरिक रूप से, तो क्या इसके बाह्य रूप में परिवर्तन नहीं होगा, होगा। मतलब इसकी सारी चीजें यदि आंतरिक रूप से परिवर्तन हो रहा है तो बाह्य रूप से इसके माप में भी परिवर्तन होगा, है ना। मतलब आंतरिक रूप से परिवर्तन होना मतलब सीधी से बात है बाह्य रूप से भी परिवर्तन होना ही होना है। यदि बाह्य रूप से परिवर्तन होगा तो मानसिक विकास तो होगी, यदि शारीरिक विकास हो रहा है तो मानसिक विकास भी होगी, यदि मानसिक विकास होगा तो सामाजिक विकास भी होगा, सामाजिक विकास होगा तो सीधी से बात है चारित्रिक निर्माण का भी निर्माण होगा। मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं विकास, ठीक है। ये होता है परस्पर संबंध, परस्पर संबंध का सिद्धांत के अंतर्गत, मतलब विकास जो है एक क्रम में जुड़ी रहती है, ठीक है। अब आता है सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाएं या प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य मतलब एक चीजें, आपको एक बात बता, सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं की प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे कि बच्चे जो है सबसे पहले बा दा दी मा, इस प्रकार से छोटे छोटे शब्दों का उच्चारण करता है सामान्य रूप से, लेकिन जैसे उसका विकास होता जाता है, उसकी मानसिक शारीरिक रूप से बढ़ती जाती है, यही शब्द पूर्ण रूप से बदल जाता है, एक पूर्ण शब्द बाबा दादा, इस प्रकार से बड़े बड़े शब्दों का एक शब्द का प्रयोग करने लगता है, छोटे छोटे जो स्वर है उसको मिलाकर, ठीक है। यह था सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है। अब आता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। साथियों समान प्रतिमान का सिद्धांत के अंतर्गत ये आता है कि कोई भी जाति हो, कोई भी प्राणी हो, अपने उस जाति के आधार पर, उस प्राणी के आधार पर ही उसका विकास संभव हो पाता है। वर्तमान में यदि मैं बोलूं एक पशु है और एक मानव है, ठीक है, एक पशु है और एक मानव है, तो पशु के बच्चे जन्म लेते ही खड़ा हो जाता है, लेकिन मानव मनुष्य के बच्चे पैदा होते ही रोने लगता है, ठीक है। तो ये इसकी जो विकासशील है वो इसके आधार पर चलेगा, मानव का जो विकास चल रही है, जो उसकी क्रिया है वो उसके आधार पर चलेगा। मतलब समान प्रतिमान, समान जाति, एक ही जाति पर या अलग अलग जाति का उसी के अनुरूप, उसके समान
उसका विकास होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये 6 सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा कि सतत या निरंतर विकास क्या है, विकास क्रम सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है, विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत क्या है, परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट में हम देखेंगे 6 सिद्धांत और देखेंगे। ठीक है, यदि आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम इसको थोड़ा सा स्लो करेंगे और थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।